कर्नाटका में पिछले लोकसभा चुनावों में 28 में से 25 सीटें जीती थी भाजपा ने, लेकिन इस बार कांग्रेस यहां पर अच्छी खासी सीट जीतती नजर आ रही है और तमाम सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार लगभग 10 सीटें लोकसभा की कर्नाटका से जीत सकती है और वहीं भाजपा को या एनडीए को 18 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। लेकिन भाजपा वो पार्टी है जो अगर उसने 100% सीटें भी जीती हो तो वो उनको रिटेन करना चाहती है, खोना नहीं चाहती। यही कारण है कि अब भाजपा एक नया एजेंडा चलाने की तैयारी में है कर्नाटका के अंदर, और इसी के तहत राम मंदिर के मूर्ति शिल्पकार जिन्होंने रामलला की मूर्ति को सजाया सवारा और उसको बनाकर गर्भगृह में जो रखा गया वो अरुण योगी राज की मूर्ति थी, उनको बीजेपी ने मैसूर लोकसभा से टिकट देने का मन बना लिया है। वैसे तो ये सीट अभी भी भाजपा के पास है, भाजपा के प्रताप सिन्हा यहाँ से सांसद है, लेकिन अगर अरुण योगराज को टिकट मिलता है तो जो एक राम मंदिर का इफेक्ट है भाजपा उसको कर्नाटका में भी चलाने में शायद कामयाब रहे और एक नया नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रहे कि उन्होंने राम मंदिर बनाया और राम सबके हैं और कांग्रेस साउथ और नॉर्थ के लोगों को डिवाइड करना चाहती है। यही कारण है हाल ही में एक रैली के दौरान सम्मान किया अरुण योगी राज का अमित शाह ने, हालांकि अरुण योगी राज ने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी वो भाजपा ज्वाइन करेंगे और उनके टिकट का ऐलान हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस इस नैरेटिव की काट कैसे ढूंढेगी, क्योंकि मैसूर लोकसभा मैसूर वो रीजन भी है जहाँ से टीपू सुल्तान राजा रहे, वहाँ पर टीपू सुल्तान को मानने वाले आज भी बहुत लोग हैं और यही कारण है कि भाजपा इसी इलाके में अरुण योगी राज को टिकट देगी ताकि बहुत से नैरेटिव कांग्रेस के ध्वस्त हो जाए और भाजपा का जो मिशन है कि अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीटें लानी है शायद उसमें वो कामयाब भी रहे, क्योंकि आज के वक्त में तो कोई कंपटीशन दिख ही नहीं रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अगर भाजपा ने बहुत ही गलतियां करी, बहुत बुरे दिन भी रहे, तो भी वो अपने दम पर 260 सीटें तो जीत ही लेंगी और एनडीए अपने दम पर आसानी से बहुमत पा ही लेगा। अब 2024 के चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।